हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मैशल मैजिक के कुछ फनी मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों से टेंशन से निपटने के तरीके अच्छी तरह से सीख लिए हैं। टेंशन से ऐसे निपटे। हेलो डैड, मैं घर आ गया। ये क्या किया तुमने? अंदर आने के लिए दरवाजा क्यों उखाड़ दिया महेश? मुझे याद नहीं था कि इसे धकेलना है या खींचना है। या फिर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझसे लड़ना मतलब मेरे देश से लड़ना। और जो ये मेरी यूनिफॉर्म खराब करी है उसका क्या? बोलो। ये क्या? माफ कीजिएगा सर, मैं आपके कपड़े धोकर लौटा दूंगा। तुम इसके लिए पछताओगे। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना तुम लोगों को नर्क का रास्ता दिखा दूं। अरे वाह, ये तो वही जादू है जिससे इन्होंने ड्रैगन को भगाया था जब ये ब्यूरो ऑफ मैजिक के सुरक्षा बल में थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे देख पाऊंगा। रुको जरा, सबर करो। ना रुको मैं पास दिया करो। मैंने पहले किसी को जादू की छड़ी का ऐसा इस्तेमाल करते नहीं देखा। अगर तुमने फिर से मेरे परिवार को धमकाया तो मार डालूंगा। सभी इम्तिहान की तैयारी में लगे हैं। हमारे इस जाने माने स्कूल का एक कायदा है कि यहाँ पर सिर्फ बेहतरीन बच्चों का दाखिला होता है। क्लॉड लुची, यहाँ पर इस साल के जादूगरों में सातवें नंबर के बेहतरीन जादूगर। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने अनगिनत कठिन मंत्रों पर महारत हासिल की है। आज तो मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया, मेरी और तारीफ करो, करते ही रहो। वैसे इस तरह आग से निकल कर आने में काफी गर्मी लगी होगी। इस टेस्ट पेपर पे तो सभी सवाल घूम रहे हैं। सही समझे, मैंने अपने जादू से टेस्ट पेपर्स को मुश्किल बना दिया है। क्या तुम जरा हिलना बंद करोगे? मेरी बात मानो और फौरन हिलना बंद करो। पता नहीं रास्ते में हमारे लिए किस तरह के जाल बिछाए होंगे। मुझे चोट लग गई। Women. नामुमकिन। ये दीवारें पूरी एक मीटर मोटी हैं और इन पर कोई जादू काम नहीं करता। ये तो सब तोड़ते तोड़ते सीधा बाहर आ गया। फिलहाल मैं तुम दोनों को ही फेल कर रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे फैसले को चुनौती दे सकते हो, पर मुझे चुनौती देने के लिए तुम लोगों के पास हिम्मत होनी चाहिए। है हिम्मत? अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ और मेरा सामना करो। आप हद पार कर रहे हैं प्रोफेसर। मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ, क्या कहा तुमने? वही जो मैंने पहले कहा था सर। आपने मुझसे पूछा था कि मुझे हेडमास्टर का सामना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा। यहां तक बात पहुंची तो मैं आपको धो डालूंगा अपने मुक्के से।
वैसे ये बोर्डिंग स्कूल तो बहुत अच्छा है, पर किसी भी हाल में मुझे उस गधे का रूममेट तो बिल्कुल नहीं बनना। चलो देखते हैं कि मेरा रूम कैसा है। अरे एक सेकंड, दरवाजा कहाँ गया? आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।